वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी अभी मैं उठी हूँ, मैंने खाना खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी बज चुके हैं 8, क्योंकि मैं उठी, मेरे साथ साथ पूछो भी उठ गया था, उसके पापा भी उठ गए। फिर मैंने पानी गर्म किया पीने के लिए, पानी पी लिया, चाय वगैरह पी ली। और अभी वो पूछो उसके पापा के साथ पीछे गया है गाय का दूध निकालने के लिए। आधा टाइम तो उसमें ही वेस्ट हो जाता है। तो अभी मेरे को 8 बज गई है, अभी मैं उसको लेने के लिए जाती हूँ। क्या कर रहा है वो, परेशान करेगा उसके पापा को। तो अभी मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। मैंने आटा चल के रख दिया है, फिर मैं उधर से आके उसको मसल लूँगी। और वो देखो ये देखो, वो बोल रहा है भैंस है यहाँ। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग मेरे साथ में नहीं आ रहा है, और वहीं खड़ा है उसके पापा के पास में, मतलब उसके पापा दूध निकाल रहे हैं और वो खड़ा है साइड में। और अभी मैं जाके मेरा काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, इसलिए वो आ जाएगा तो फिर काम नहीं करने देगा, परेशान करेगा बहुत। तो अभी मैंने आटा वाटा उसल लिया है, देखो मैंने आटा उसल लिया है। और यहाँ पर भैया चाय बना रहे हैं। भाई सब मेरा काम आधा ऊपर हो चुका है। अभी मेरे को कपड़े धोना है, मेरे को नहाना है, और अभी मेरी सब्जी सीज रही है। मैं टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। और सब्जी बनाने के बाद मैं नहाऊँगी। मैंने अभी पोछा वोछा लगा दिया है, सारा काम हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे सब्जी सीज रही है, सब्जी चढ़ा के कपड़े धोना है, कपड़े धो के नहाना है, और कुछ को भी नहलाना है और उसको तैयार करना है। फिर मैं फ्री कपड़े डाल वाल के। मेरी सब्जी भी बन चुकी है और 11 बज चुके हैं। तो फाइनली अभी मैं शाम का खाना वाना बना के खा पी के सब लोग रेडी हो के, कहीं जाना नहीं है इसलिए रेडी नहीं हुए हैं। बाकी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ताप रहे हैं ठंड में, तपी तपी। ये शुभम जी है, ये भैया है। भैया जिम करके आए ना, तो उनको ठंड लग गई थी। मैंने शुभम जी से बोला, मैंने कहा आप मैं बर्तन साफ कर रही, तो मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए, तो ताप चिता दो। तो मेरे से तो नहीं हो, मेरे को तो ठंड लग रही है बहुत, मेरे से तो बाहर भी नहीं आवा। और अभी भैया आए जिम करके और उनने चिताया ना, तो मैं आके बैठी, पर ये भी आके बैठ गए। अब ठंड नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है, अब ठंड नहीं लग रही है, अब ठंड नहीं लग रही है। उड़े नाना, उड़ा तो पतंग गग्गा अपनी लाखनू, यो पकड़ ले था फुग्गो पकड़ ले, फूटी जाएगा नहीं तो। वो बाबा कहाँ जा रही, वही मत जा तू, वहां जा। पतंग कैसे उड़े, पतंग उड़ी उड़ी नू 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 ए बोल, उड़ी 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 पतंग, उड़ी 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 गगा दुदू लाखे नी लाखनू रे। वा अभी मम खैरी, मम खैरी गगा, मम खैरी न्यू किदे सेता हे वारी सेता पानी भरी री। हाँ यू के सेता आजे। तो अभी शुभम जी ऊपर, मतलब घर का काम चल रहा है, तो तरी करने के लिए गए, पानी छिटने के लिए गए, तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, मतलब नली उधर उधर कराने। और भैया की तबीयत खराब हो रही है तो सोए ही वहाँ पर, देखो। और वो नानी जी को परेशान कर रहा है किसका, और नाना जी बैठ रहे हैं, पापा जी खेलते हैं। इसको हाथ ही देखना है मोबाइल में, मगन तू छोड़ के सारे दादा बैठा देख रहे दादा बैठा नाचो मेरी जाओगे मगन तू
नमे नमे तम तम हे गाइस, तो मेरी सिस्टर रेडी होके आई थी क्योंकि दीदी व्लॉग शूट करेगी इसलिए, और मैंने खाना वाना खा लिया और व्लॉग अभी तक शूट नहीं किया है, तो बोल रही तूने व्लॉग शूट नहीं किया। तो ये देखो, ये है सिद्धू, इसको मेरे भाई लेने के लिए गया था, मतलब रजनीश और प्रीतम और रमेश शुभम जी, हम तीनों आए थे। तो आज मेरे भाई का बर्थडे था तो उसने पार्टी दी, तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है, ठंड में पार्टी बहुत हार्ड। और ये देखो अभी कुछ और ऑर्डर करेंगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरे को बोल रहा है बोल बोल चलो चला वो भाग गया। ओ भाई तो गाइस पुचू पे भी को बुखार चढ़ा है, और ये देखो इसकी हालत देखो बेचारे की ये बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, कुछ काम भी नहीं करने दे रहा है। अभी मैंने जैसे जैसे तैसे खाना बनाया है और अभी इसको लेके बैठी हूँ, इसको फिर हॉस्पिटल दिखाने लेके जाएंगे। इसके पापा भी दूध निकालने गए, उनको भी बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है, मेरे हस्बैंड की मतलब उनको भी बुखार है। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।